मुरादाबाद मुख्यालय ने मुरादाबाद जोन के लिए अक्टूबर माह में 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन सभी मुश्किलों के बावजूद मुरादाबाद जोन ने लगभग 94 करोड़ रुपए राजस्व वसूल कर प्रदेश में पांचवा स्थान हासिल किया है। मुरादाबाद को चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1324 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। अभी तक मुरादाबाद जोन ने 605 करोड़ की वसूली कर चुका है। जीएसटी के अधिकारियों ने एसआईडी और मोबाइल दस्ते के माध्यम से कार्यवाही कर यह स्थान हासिल किया है। अपर आयुक्त ग्रेड वन कमलेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है। 3 माह पहले प्रदेश में मुरादाबाद ने नंबर 1 स्थान हासिल किया था। संभावना है कि वसूली में अभी और सुधार आएगा। प्रदेश में लगभग 376 करोड़ की वसूली कर गाजियाबाद ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर बरेली ने लगभग 116 करोड़, अयोध्या ने लगभग 109 करोड़ रुपए और गाजियाबाद द्वितीय ने लगभग 430 करोड़ की वसूली की है। बता दें कि मुरादाबाद जोन में अभी 14 अधिकारियों की कमी है। मोबाइल दस्ते में भी दो अधिकारियों के पदों पर किसी अधिकारी की तैनाती नहीं हो पाई है। उन्होंने शासन को इसकी जानकारी देते हुए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पत्र भी लिखा है। कमिश्नर ग्रेड वन कमलेश्वर प्रसाद वर्मा के साथ ज्वाइंट कमिश्नर मोहम्मद इलियास ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जोन के सभी मोबाइल टीम व एसआईबी के अधिकारियों के कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी है। शासन ने एक परिस्थिति पत्र भी जिला मुख्यालय राज्य कर विभाग को भेजा है। कमिश्नर ग्रेड वन ने इस कार्य में सफलता के लिए सभी व्यापारियों का भी आभार व्यक्त किया है।